भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक व भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने उप जिलाधिकारी नवीन चंद को ज्ञापन देकर राज्यपाल से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं जिसको किसानों ने किसान विरोधी कानून बताया उसको वापस लिया जाए। भाकिया राजनैतिक ने जिला आंदोलन प्रभारी यादव ने बताया कि लखनऊ में आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कड़ा फैसला लिया जाए, सरकार द्वारा 3 काले कानून वापस लिए जाएं, सभी तहसीलों की ग्राम सभा पर जमीनों पर दबंग प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा जो अवैध कब्जा किया जा रहा है इसे तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाए सहित कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी BKT हरदेश कुमार कठेरिया, BKT SDM नवीन चंद्र, थाना इटौंजा प्रभारी अवनीश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम हुआ है, किस तरह का ज्ञापन दिया गया? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश था कि 23 तारीख को राज्यपाल के यहाँ हम लोग अपनी कृषि कानून बिल को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात मनवाने के लिए राज्यपाल के यहाँ जाएंगे और राज्यपाल से हम लोग निवेदन करेंगे कि जा कर के राष्ट्रपति को ये हमारी बात कहें और हमारी किसान बिल जो है वापस लें। कितने उसमें कितने सूत्री मांगे हैं? हमारी मांगे हैं किस किस तरह की मांगे हैं, क्या कुछ दिक्कत है? अरे हम लोग जैसे यहाँ पे आवारा पशु घूमते हैं इस संबंध में लेकर के पूरे जनपद लखनऊ में, जिसे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, वो बेचारा चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। एक तो गवर्नमेंट जो है सरकार किसानों का उचित रेट नहीं दे पा रही, कोई कृषि खुले नहीं, दूसरी तरफ उसके सांड भी। अच्छा, पुलिस का रवैया कैसा रहा, क्या कुछ रहा पुलिस का रवैया? पुलिस का रवैया ये रहा, जो अपनी बात कहने के लिए वहाँ पे हम जा रहे थे तो हमको रास्ते में रोक लिया गया, वहाँ तक हमको नहीं पहुँचने दिया गया कि जो अपनी बात हम वहाँ जो है जा करके कह दें। अच्छा, किसानों को जो है कई जगह पर जो है घर में ही कैद कर दिया गया है, इस पर क्या तो सरकार की तानाशाही रवैया है, जो अपनी बात कहने के लिए हम उनके पास जाते हैं तो हमारी बात सुनी नहीं जाती है, तो ये तो विडंबना है, क्या कहा जाए इस सरकार की। अच्छा, अगर नहीं जो है अगर किसी तरह की नहीं वैसे कार्रवाई हो रही है फिर आगे आपको क्या करना है? तो हमारा ये धरना प्रदर्शन हमेशा जारी रहेगा, जब तक कि हमारा कृषि कानून बिल वापस नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।